हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद आयदुन खान और आप देख रहे हैं आयदुन खान यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम चैप्टर नंबर टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ की पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के जो है सेकेंड पार्ट में जो है यानी कि इसी वीडियो के थोड़े आगे जो है आपको 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो आपको डिस्कस आउट मिले हुए होंगे। सो आइए पहले हम की पॉइंट्स की बात करते हैं। सो पहले बात है क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हम इन्हें आउटर एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इनकी जो है इनके दो बच्चे यानी कि दो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम डी ब्लॉक और एक को कहते हैं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल जो है एक रो में 14 और दूसरे में 14 यानी कि 28 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ठीक है भाई, लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में पहली बात आपको ये याद रखनी है कि डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आपको सिंटेक्स बुक में अगर हो सका तो मैं यहाँ पर आपको पेज शो हो जाएगा जो आपको मैं दिखाऊंगा। सो वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसकी स्टेबिलिटी तीन पॉइंट ऑफ व्यू में होती है। एक होता है D0, D5, D10। ये जो है तीन इसके स्टेबल होते हैं जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है कि कौन सा एलिमेंट, इसके भी अंदर दो क्लासिफिकेशन है। एक है नॉन टिपिकल और एक होता है टिपिकल। ठीक है भाई, एक होता है नॉन टिपिकल और एक होता है टिपिकल। तो नॉन टिपिकल में जो है आ जाता है ग्रुप थर्ड बी, जिसमें हमारा स्टार्टिंग होता है स्कैंडियम, और ग्रुप सेकंड बी। ठीक है भाई, ग्रुप सेकंड बी जो कि स्टार्ट होता है जिंक से। ठीक है, ये हो गए। अब इन्हें भाई नॉन टिपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन टिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली अपना डी जो इसका ऑर्बिटल है उसको लूज कर सकता है और ये मोस्टली कंपाउंड में S3 यानी के आयन की फॉर्म में मिलता है। और Z वाले जो ग्रुप हैं उनको इसलिए नॉन टिपिकल कहते हैं बिकॉज देयर डजंट हैव अ सिंगल पेयर्ड ऑफ, इसके पास जितने भी होते हैं वो सारे पेयर्ड होते हैं, कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप जो है फर्स्ट है उधर से जितने भी ग्रुप हैं उधर तक जो है वो है सारा सिस्टम, उन्हें टिपिकल कहते हैं। और फर्स्ट एक को दूसरा नाम है कोइनेज मेटल्स। इन्हें कोइनेज मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एग्जांपल है कॉपर आता है। कॉपर से हम बनाते हैं सिक्के वगैरह। ठीक है भाई, उसके बाद आपने इसकी क्लासिफिकेशन हो गई नॉमिनक्लेचर। नॉमिनक्लेचर के ऊपर मैंने अपने ग्रुप वीडियो जो इसका साइड में एक बना हुआ है प्लेलिस्ट के ऊपर दो वीडियो जो है अपलोड करी हुई हैं जिसपे हमने शॉर्टकट डिस्कर्ड किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये हमने बेसिक कर लिया। उसके बाद आपको ये पूरा ग्राफ याद करना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम बोल दिया गलती से। ठीक है, ये आ गया 25, ये आ गया जिंक, ये आ गया कोपर। ठीक है भाई, 25 के बाद आ गया फीरस, ये आ गया कोबाल्ट, ये आ गया निकल। आपने इसको अगर मैंने बाय मिस्टेक सब सही लिखा हो
आपने ये याद करना है। उसके बाद आपको ये दो का तो मैंने बता दी कहानी, अब इन दोनों की कहानी जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि इन दोनों की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डट्टी हुई होनी चाहिए कि कॉपर के लिए जो है 4s1 और 3d10 है कॉपर के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3d10 है, उसके बाद क्रोमियम जो है उसकी है 4s1 3d5, क्योंकि ये जो है ये दोनों जो है ऑफ ही बाओ प्रिंसिपल, ऑफ बाओ प्रिंसिपल को जो है फॉलो नहीं करते। ये एडिशन फिर फॉलो क्या करते हैं, ये एडिशनल एडिशनल स्टेबिलिटी, एडिशनल स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि ये अपना मोस्ट स्टेबल बनाते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद है इनका एटॉमिक मासेस। इनके एटॉमिक मासेस की सीरीज में ये है कि इनका पहले एटॉमिक मास जो है पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कहाँ पर होगा वो भी आपको बता देना है, यहाँ तक पहले जाएगा डिक्रीज, फिर जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, एकदम यहाँ पर जिंक में आके बढ़ जाएगा। जिंक में आके क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास जो है सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से इसका साइज एज कंपेयर टू कॉपर बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको ये स्टेबिलिटी पे ये सवाल आएगा कि जो आपको आर्गन आर्गन जो है एक हेल एक नी जो है वो ग्रुप है जिसका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होता है, अगर स्कैंडियम जो है आर्गन की वैलेंसी अख्तियार कर लेता है तो वो मोस्ट स्टेबल कहलाएगा। देखें, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जैसे कि 4s2 18 19 20 और ये 3d1, ठीक है, 18 19 20 21। अब वो ये तीनों जो है लूज कर देगा, जिससे वो स्टेबल हो जाएगा, जैसे कि आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इस चीज़ को नोट आउट कीजिए, ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके मुकाबले ऑस्मियम भी एक ऐसा ऑस्मियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी +8 होती है, बाज़ औक़ात एमसीक्यू में देखा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन सिंटेक्स बुक के मुताबिक यही है ऑस्मियम और मैगनीज का, ठीक है, मैगनीज हो गया। उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो है ग्रुप 4 तक जो है वैनाडियम तक जो है बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है कहाँ तक, जिंक तक, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एमसीक्यू है, ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जैसे कि इसका नाम याद रखना, K2Mn4-2, इसे कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब आपको बाद अवकात इसके नाम चेंज करके आपको दे देगा कि भाई इसका नाम जो है क्या है, उसका नाम आपको चेंज करके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में दे सकता है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनका नाम लिख रहा हूँ मैं, कॉपर मैगनीज। कॉपर जो है दुनिया में सेकंड नंबर पे वायर बनाने में यूज़ होता है, पहले नंबर पे कौन होता है भाई, पहले नंबर पे कमेंट सेक्शन में बताइए, बुक में लिखा हुआ है, की पॉइंट्स है रट्टे हुए होने चाहिए। मैग्नीज है, क्रोमियम है, इन चीज़ों का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। उसके बाद क्रोमियम जो है एक्सेप्शनल केसेस आपको याद होने चाहिए, उसके बाद जो है कॉपर जो है उसमें ब्लू कलर होता है, और एक्सेप्शनल केस ये है कि कॉपर में Cu+2 जो है ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू Cu+1 के मुकाबले में। एक्सेप्शनल केस है, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, एक्सेप्शनल केस से ब्लू कलर देता है ज़्यादातर, ठीक है भाई। और ये जो है Fe2O3,
इसको कहते हैं हेमाटाइड, हेमाटाइड कहते हैं इसे, ठीक है भाई, हेमाटाइड कहते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम फीरस है, और जो है आपको बेसिकली जो ये सारे मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दिए हैं, उसके बाद चाल्कोपाराइट, Cu+2S चाल्कोपाराइट है। इसमें से कॉपर जो है हमें सिर्फ 6% मिलता है, चाल्कोपाराइट कहते हैं इसे, ठीक है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। कॉपर में जो है जब हम निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यह आपको पता होना चाहिए कि आर्सेनिक हो गया, मिट्टी वगैरह। उसके बाद जो है इसके स्टेप्स, जो इसकी दी हुई है पूरी हमारे पास खेती बाड़ी के, इसमें कितने जो है सारे हो रहे हैं प्रोसेस, उन प्रोसेस के नाम, प्रोसेसेस जो हैं उनके नाम पता होना चाहिए, उनके स्टेप्स के यानी कि टोटल स्टेप्स कितने रिएक्शन में। उसके बाद जो है रिएक्शन आपको उसका याद होना चाहिए कि मेथड भले याद हो या ना हो, इसके बाद ये तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन चीज़ ही आती है घूम फिरा के नॉमिनक्लेचर। नॉमिनक्लेचर में बाद आप मिस्टेक्स कर जाते हैं, वो आपको मैंने वीडियो बताई है शॉर्ट, उसमें मिली हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, वो आपके बुक के जो हैं दिए हुए हैं मैंने डिस्कस करे हुए, आपके लिए बहुत एडिशनल फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो ये रहे कुछ जो है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा जो है नॉन टिपिकल है, तो हमें पता है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, कौन सा जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है कोबाल्ट डी। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड, ये चार ऑप्शन है, तो इनका करेक्ट आंसर है इनर ट्रांजिशन। स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी डिपेंड अपॉन, ये रहे चार एमसीक्यू, तो इनका करेक्ट आंसर जो है वो बता रहा हूँ, ग्रुप 4, 6B और ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्टेन। सो हमें पता है जो जिंक लास्ट में है, फीरस और जो हमारा है इसमें आपको जो है 4 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, और 5 का करेक्ट आंसर जो है सी है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन क्लोरोनाइट्रेट प्लाटिनम सल्फेट, सो ये आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कलर्ड कंपाउंड, तो इसका जिंक आंसर है, और इसका जो है देखिए टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम 4 जो है, सो इसका करेक्ट आंसर बी है। द आउटर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ऑक्साइड इज ड्यू टू डी ट्रांसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी टी इन सी एल एन ओ, ये वाला कंपाउंड जो है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 का जो है वो ए आंसर है, और जो है 6 भी हो गया, 7 भी हो, 7 का भी हो गया, 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है 8 है, ए का है 8A। द आउटर द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन 40 आता है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। द ट्रांजिशन है वेरी हाई बॉइलिंग एंड मल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेज, बी आंसर है 11 का। उसके बाद है एलिमेंट्स विच आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड, जो अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पैरा मैग्नेटिक, और डायमीटर द मैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नन ऑफ देम, क्योंकि ये रिपेल किए जाते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑप्शन है एक, ये रहा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल पेयर्ड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आल, तो उसका करेक्ट आंसर ए था। द ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड, तो इसका आंसर है डी, जिसमें हमें पूरी लिस्ट दी गई हुई है। जेड हैज डैश इलेक्ट्रॉन, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑर्बिटल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डेवलपमेंट इज इट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की वजह से कलर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर ऑफ आयरन, इसको कहते हैं हेमाटाइट अलॉय स्टील आर डैश एटम, तो इसका जो है यानी कि जो स्टील है इसकी कॉम्पोजिशन में ज़्यादा कौन से होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर सी है। उसके बाद स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डी ऑर्बिटल व्हेन इट इज हाफ फील्ड पार्शली फील्ड, तो उसका करेक्ट आंसर ए है। कम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉन्टेन डैश और इन गोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू एटॉमिक साइज, इसमें जो 22 नंबर है
इसके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, और कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो है ये बोथ ऑफ देम, ठीक है भाई। उसके बाद है वेरिएबल ऑक्सीडेशन ऑफ प्रॉपर्ली जो ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल आयन इज, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 25 का अकॉर्डिंग टू सीएफएल लिजेंड सराउंडिंग आ मेटल क्रिएटेड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड इट्स डीडी विच स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक T2g और एक EG, इसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आंसर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये रहा इन नेमिंग आयोनिक कंपाउंड कैटाइन एनाइन आर डिफरेंट, सो ये सब पढ़ेंगे, इंग्लिश का ज़बरदस्त आंसर है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है D, क्योंकि हम कैटाइन को पहले लिखते हैं और एनाइन को बाद में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सिल्वर नाइट्रेट आल्सो कार्ड कॉस्टिक पोटाशियम और लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। उसके बाद है द डैश एक्वस सॉल्यूशन इज पिंक इज बिकॉज ऑफ KMnO4 इन डायमैग्नेटिक कंपाउंड दोज विच हैव डायमैग्नेटिक, उसे कहते हैं जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे जो हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सो सिल्वर नाइट्रेट को अब क्या कहते हैं, और द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंटर मेटम, यानी कि यूजुअली कितने होते हैं, 2 से 6 यूजुअली होते हैं, और इसका जो है लूनर कास्टिक कहते हैं। CU2 और इज नेम्ड एज, ठीक है। और कॉपर जो है 48.9 का जो आंसर है वो तो हमारी बुक में दिया हुआ है, वो है चालकोसाइट, ठीक है। और जो है चालकोसाइट या चालकोपायराइट, ये आप जो है अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर लें। उसके बाद है कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चालकोपायराइट, इट कॉन्टेन चालकोपायराइट है वैसे तो, सो चालकोपायराइट 50 में जो है आंसर आएगा वो है 6%, 6% मिलता है। ब्लू स्टोन इज अनदर नेम इज कॉपर सल्फेट, EDTA इज अ पॉलीडेंटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायडेंटेट, सो जाहिर सी बात इतना बड़ा मेलिकल दिख रहा है तो सी आंसर होगा। विच कंपाउंड आर लेस कॉमन हैव कोऑर्डिनेशन, इनमें से सब में कम जो है कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो वो करेक्ट आंसर जो है वो मैं भी बता रहा हूँ आपको। मिक्सचर ऑफ मिल्क ऑफ लाइम एंड ब्लू वाइट्रोल इज यूज एज एंटी फंगल एजेंट, और इसका करेक्ट आंसर B है। कोरोजन में भी प्रिवेंटेड बाय, और ब्रास कंटेंट 20% जिंक एंड डैश कितना कितना परसेंट कॉपर होता है उसके अंदर जिंक के बाद। द फार्मूला ऑफ ब्लू वाइट्रोल, सो इसका D आंसर है, इसका A आंसर है, और ब्लू वाइट्रोल के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं। द ट्रांजिशन मेटल यूजली हैव वेरी हाई मल्टीपल 1100 से ज़्यादातर ही होती है। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज इन हैबर ब्रोच प्रोसेस, और डैश इज यूज मेटालिक कॉपर कॉपर मल्चीसाइड्स जो है कहते हैं। उसके बाद आर सब्सटेंस विच हैव, चलो ये छोड़ें यार ये अच्छा नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डी ऑर्बिटल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड कम्प्लीटली फिल्ड, बोथ में होता है। पोटाशियम डायमोनाइड यूजली एक्सटेंसिवली यूज फॉर, ये आप ऑप्शन देखें। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बिटवीन लेंथेनाइड SnP, और ये जो है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ 5D जनरेटिंग ऑर्बिटल द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, सो इसका करेक्ट आंसर D है, इसका करेक्ट आंसर B है। तो इसका आंसर है DX²Y², क्योंकि हायर एनर्जी को कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि दोनों के कितने। बोथ ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी आर रिप्रेजेंटेड बाय और द स्पीशी विद डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस कार्ड लिगेंड कहते हैं उसे, और इसका आंसर है EG। फॉलोइंग आयन इज अ बायडेंटाइट ऑक्सोलेट आंसर है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ। द सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आयन लिगेंड, तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉन्टेंट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल आयन लिगेंड D ऑल ऑफ देम, तो इसका करेक्ट आंसर है D ऑल ऑफ देम। नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल और आयन इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो उसके आगे चलते हैं हम। उसके बाद जो है एक मिनट, ठीक है भाई। उसके बाद है एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके, कितने मैंने करा दिए भाई, 39 करवा दिए हैं वो, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 के प्लस है। एनी प्रोसेस, अब आप पढ़ें
हाँ तो 36 का जो है बी कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब प्रोसेस के मेटल ड्यू टू एक्सटेंड इसको कहते हैं हम कोरोजन, ठीक है भाई। मॉडर्न मेथड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मायर बाद द मॉडर्न जो है ये मोडेक्स ने बनाया था। विच एलिमेंट है कंपाउंड डी कंप्लीट, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो जिंक के। इन क्रोमियम द नंबर इन 4d ऑर्बिटल आर 5 इन रेगुलर इंक्रीज इन आयोनिक एंड एटॉमिक रेडी अक्रॉस द लेंथसाइट इसका डैश कॉन्ट्रैक्शन आयोनिक कंप्लीशन और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो उसका है करेक्ट आंसर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लिजेंड्स आर सो कॉल्ड लेविस बेसिड, लेविस बेस उन्हें लेविस बेसिस कहा जाता है। इसके साथ आपके जो है प्लस 50 MCQs मैंने करा दिए हैं, ठीक है।